वंदितु सर्व सिद्धि धूम चिलमण मंगलि विपत्ति गोच्छामि समय पावो मिणमो सुत के लिए भंडन मिणमो हरि हंतारम मिणमो सिद्धारम मायरियारम मिणमो वंचायारम मिणमो लोय संसारम। जब ग्रंथान का प्रविष्टि भगवान ने की आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की आचार्य विराज सागर जी महामुनिराज की आचार्य श्री विष्णु सागर जी निराज की महानुभाव आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी द्वारा रचित समय सार ग्रंथ की वाचना यहाँ पर चल रही है, जिसमें समय सार कलश 66 नंबर जो अमृतसिंह आचार्य ने समय सार ग्रंथ पर टीका लिखी है उसकी व्याख्या यहाँ पर हो रही है। आगे की गाथा के अर्थ का सूचक का हम कहते हैं, यह आचार्य अमृतसिंह स्वामी कहते हैं, ज्ञान में एक भावा कुतो पवित ज्ञानी नो ना सुमिरन्या अज्ञान मया सर्वा कुतो ये मैं ज्ञानी नो ना ज्ञान। यहाँ आचार्य भगवान कहते हैं, यहाँ प्रश्न यह है कि ज्ञानी को ज्ञानमय भाव ही क्यों होता है और अन्य क्यों नहीं होता, तथा अज्ञानी के सभी भाव अज्ञानमय ही क्यों होते हैं तथा अन्य क्यों नहीं होते हैं। आचार्य भगवान की व्याख्या करते हैं, अज्ञानी की अज्ञानमय भाव करके अज्ञानत्व की बंध को प्राप्त होता है। ज्ञानी ज्ञान में भाव करता है यह जीव का तीव्र अशुभ कर्म का उदय है कि शुभ भाव रखने की भावना रखते हुए भी शुभ भाव नहीं होते हैं। जीव का अशुभ कर्म का उदय आता है, वह मन में सोचता है कि आज मैं किसी का अशुभ नहीं करूंगा, फिर भी मन में अच्छे शब्द भी नहीं निकलते हैं, अच्छा काम भी नहीं होता है और अच्छे परिणाम नहीं होते हैं। या किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है, यह स्वयं की अनुभूति का विषय है। तीव्र असाता के उदय में तीव्र पाप के उदय में जीव के शुभ परिणाम नहीं होते, ना कि जीव से पूछना कि तू कभी अच्छा करने की नहीं सोचता, परंतु उनके विचार ही अच्छे नहीं होते हैं। नित्य उनके अशुभ लेस्या अशुभ परिणाम अशुभ भाव जो कुछ भी उनकी क्रिया होती है वो सारी की सारी क्रियाएं अशुभ ही होती है। सोचते भी है कि मैं शुभ करूं तब भी नहीं कर सकते, यह क्षेत्र की प्रत्याशक्ति है उस जीव के भावों की प्रत्याशक्ति, उस जीव की भाव की प्रत्याशक्ति, तत्जन क्षेत्र का प्रभाव, तत्जन जाति का प्रभाव, तत्जन उस जीव के परिणाम वैसे ही होते हैं जैसे क्षेत्र में रहता है, परंतु वह क्षेत्र किसी को प्रभावित करता है। जिसकी गति है यह भी समझ कर सुनना, नरकों में तो असुर जाति के देवी जाते हैं, प्रथम नरक तक उनको कोई वेदना नहीं होती है, अपराधी को जेल की सीढ़ी पर चढ़ते ही कष्ट प्रारंभ हो जाता है, कैद खाने को द्वार देखते ही उसको पीड़ा प्रारंभ हो जाती है, परंतु जेलर और उसमें रहने वाले अन्य काम करने वालों को क्यों नहीं होती। ध्यान दो, उस क्षेत्र का प्रभाव उसी पर पड़ता है जो अपराधी है, नारकी की वेदना का प्रभाव उसी पर पड़ता है जो नारकी बनकर गया है, देव बनकर जाने वाले जीव पर नरक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तुम्हारे भवन में आपका निवास है और आपके अनुचर का निवास, वही आप रहते हो, उसी में आपका नौकर रहता है, नौकर गरीबी का अनुभव कर ले रहा है और मालिक स्वामित्व का अनुमति ले रहा है,
घर वही है, घर दोनों का वही है, दोनों वहीं पर रह रहे हैं, आराम कर रहे हैं, खा रहे पी रहे हैं, लेकिन एक नौकरी गरीबी का अनुभव कर रहा है और एक स्वामित्व का अनुभव कर रहा है। इसमें क्षेत्र का क्या दोष है? इसमें क्षेत्र का क्या दोष है? तेरे क्षेत्र की प्रत्याशक्ति के साथ स्वयं के पुण्य पाप की प्रत्याशक्ति जैसी होगी, उसको क्षेत्र भी वैसा फलित होगा। इसमें क्षेत्र का दोष नहीं है भैया। तू जिस पर्याय में अभी बैठा है, युवा पर्याय में है, तू बूढ़ेपन की अनुभूति नहीं ले सकता है, ज्ञान ले सकता है और बुजुर्ग ज्ञानी युवा अवस्था की स्मृति कर सकते हैं, लेकिन वृद्धत्व का वेदन नहीं कर पा रहे हैं। जब वृद्ध होंगे तभी वेदन कर पाएंगे। जो जिस पर्याय की प्रत्याशक्ति से युक्त है उसकी अनुभूति वैसी होगी। परंतु इन सब का जो करता है वे स्वयं जीव के परिणाम है। इसलिए कुंद कुंद स्वामी ने स्पष्ट कथन कर दिया कि अज्ञानी अज्ञानमय भाव करता है और ज्ञानी ज्ञानमय भाव करता है। या शब्दों के रटने से ना कोई कारण समयसार में है, ना कोई कार्य समयसार में है। सम्यक की सत्ता के ही कारण समयसार घटित होता है और सम्यक पर कार्य समयसार घटित होता है। व्याख्या करते हुए जैसे स्वामी लिख रहे हैं, निर्विकल्प समाधि परिणाम जो अनंत चतुष्टय लक्षण कार्य समयसार है, उस अनंत चतुष्टय लक्षण कार्य समयसार की उत्पत्ति का कोई कारण है तो निर्विकल्प समाधि परिणाम से परिणत आत्मा के ही परिणाम है। कारण समयसार भेद ज्ञान के अभाव से संपूर्ण आरंभ से परिणत जो अज्ञानी जीव है वह अज्ञान भाव का करता है। लेकिन ज्ञानी जीव के शुद्धात्म ख्याति रूप प्रतीति से अनुभूति रूप ज्ञानमय ही होते हैं। संपूर्ण पर भावों से मिलकर एक निर्विकल्प आत्मा की संवित्ति का अनुसरण ले रहा है, ऐसा ज्ञानी पुरुष ज्ञानमय भाव का करता है। बाहर का सारा विषय समाप्त हो चुका है, यहाँ पर अंतरंगी के परिणामों की व्याख्या है। एक ज्ञानी भी अपने ज्ञान से पूछे कि हे ज्ञानी, तेरे ज्ञान का विषय क्या बन रहा है और तेरे निज के ही परिणामों का श्रेय कैसा आ रहा है? क्रोध कसाय रूप परिणाम आ रहे हैं, क्रोध रूप परिणाम आ रहे हैं, यह तुझे ज्ञात है कि नहीं? मान रूप परिणाम आ रहे हैं, माया रूप परिणाम आ रहे हैं, लोक कसाय परिणाम आ रहे हैं, मिथ्यात्म रूप आ रहे हैं, स्पर्श रस ग्राण चक्षु स्रोत विसर्जन परिणाम आ रहे हैं, राग द्वेष रूप परिणाम आ रहे हैं। या समझ जाइए कि तेरा ज्ञान अज्ञान भूत है, क्योंकि तेरे ज्ञान का श्रेय विपरीत आ रहा है। ना कहीं आंकना, ना कहीं पूछना, दूसरे पड़ोसी को क्या मालूम? तुझे मालूम है जिनाले में बैठकर भी वासनालय से भिन्न नहीं हो पा रहा है। जिनाले का बंद नहीं होगा, वासनालय का ही बंद होगा। समझ में आ रहा है? तीन भूमि में बैठकर भी आप लोगों के परिणाम अतिथि रूप चल रहे हैं, तो भैया बंद तीर्थ का नहीं अतिथि का ही होगा। सभी सूत्र लगाना पड़ेंगे, जो श्रुत के शब्द कानों में जा रहे हैं इतने मात्र से तू ज्ञानी नहीं हो पाएगा। भैया जो श्रुत के शब्द तेरे कानों में आ रहे हैं, कानों में आए शब्द अंतःकरण में प्रवेश नहीं किए तो कानों के शब्द कर्मातीत नहीं बना पाएंगे। कर्मातीत नहीं बना पाएंगे। अहो घोर घोर घाटा लग रहा है कि सेवन करने को मिल नहीं रहा है, स्वयं श्रीमान से मन हट नहीं रहा है, या वर्ग तेरे से छूट नहीं रहा है, नियम से बंद होगा,
ऐसी बहुत सी अवस्थाएं तेरे भोग अंतराग्रम का चेहरा नहीं है तो सामग्री तुझे नहीं मिलती है और सामग्री के बारे में चिंतन चल रहा है। ध्यान देना, मैं आपको प्रैक्टिकल बता सकता हूँ। माना कि एक भैया किसी ज्ञानी के यहाँ भोजन करने गए, दूसरे के घर में टोड़ा बनकर जाना पड़ता है। भैया जैसे अपने घर में खुलकर भोजन करता है वैसा दूसरे के घर में नहीं कर सकता। कभी कभी सामग्री रखी रहती है, स्वयं के घर में जाएगा तो चिल्लाकर वहां से बोल देगा दो ना मुझे, लेकिन दूसरे के घर में नहीं बोल पाता। देखिए सामग्री की थाली तेरे सामने है, आप चाहते नहीं हो, रुचिकर सेवमान सामने रखा हुआ है परंतु दूसरे के हाथ में है। घर के मालिक ने सब कुछ आपको बताया दिखाया है लेकिन जब लेने का समय आता है तो आपको दे नहीं रहा है। ठहर जाओ, द्रव्य आपको मिल नहीं रहा है ना। देखो भैया ऐसा भी होता है, मुझे आज आपके घर आहार लेने आए और उन्होंने अमुक सामग्री हटवा दी, जिस कटोरी को हटवाया था आपने उस कटोरी को रखा रहने दिया और जिसे नहीं हटवाया था उसको हटा दिया, ऐसा भी होता है। अब देख रहेंगे नहीं कि यह रखो, ऐसा भी तो होता है कि भैया थाली दिखा रहे थे और एक ज्ञानी आए तो कहने लगे कि ये हटा दो ये हटा दो ये नहीं लेंगे उम्मीदवार। अब ऐसे समय में आप अपने परिणाम को सोचिए कि क्या हो रहा है। आपका त्याग नहीं था और सामने वाले ने त्याग करवा दिया, त्याग नहीं था सामने वाले ने त्याग करवा दिया, लेने के भाव थे लेकिन आपने मना कर दिया, मुनिराज नहीं लेंगे मुनिराज नहीं लेते। अब वो क्या कहेंगे बताओ, बोल सकते नहीं है, मनी मन सोचेंगे देखो तो मन था लेकिन फिर भी नहीं ले पा रहे हैं। उस समय अपने परिणाम को प्रमेय बनाइए, उस समय अपने परिणामों को गेय बनाइए, अपने निज ज्ञान से अपने परिणामों को जानिए, परिणाम कहाँ जा रहे हैं। सेव्यमान सामने है, सेवन करने को मिल नहीं रहा है, थाली में नमक रखा है, रविवार का दिन है, लोगों ने आगे कह दिया नमक का त्याग है, जबकि मुनिराज का त्याग नहीं था। अब क्या करें, मुनिराज बोले कि नमक दे दो, ये थोड़ी कह सकते हैं, अब तो उनका त्याग हो गया। संग में चार साधु हैं, दो साधु के नमक का त्याग है और दो का हो जाता है, दो का त्याग है और दो का हो जाता है, क्योंकि चारों के लिए कैसा बनेगा, बिना नमक का बनेगा तो चारों का हो जाता है। अब वो साधु जो लेना चाहते थे उनको नहीं मिल रहा तो मन ही मन सोचते काश हमने भी त्याग कर दिया होता तो त्याग करने का पुण्य तो मिलता, वो तो गए ही है मिला तो नहीं है। भैया सेवन का बंध मिट नहीं रहा, लोक में ऐसा कितना पदार्थ है जिसे मिल नहीं रहा है परंतु तो उसके बंध से नहीं छूट पा रहा है। भैया जो आपकी मुट्ठी में द्रव्य होगा उससे भी भाग बंध होता है कि बंध के और भी कारण है, जितना तेरे हाथ में है इतने को ही देखें इतने को ही भोगे तो न्यून बंद होगा, जितना मेरे पास है उतने को ही भोगे तो न्यून बंद होगा। परंतु क्या चल चित्र कब्ज पैसे लेकर बंद लेने आ जाता है, सिनेमा हॉल की जो चित्रावली है वो सामग्री कब तेरे घर में आएगी, नहीं आएगी। पर तू वहां टिकट खरीद कर अपने समय सार भूतात्मा के परिणामों को अशुभ चित्रों को देखने के लिए जाता है। अरे ज्ञानी तेरा ज्ञान काम कर रहा है कि अज्ञान काम कर रहा है। एक दीप इन्हीं नैनों से
श्री जिनपिंग को निहारता है, समय जैसे तीर्थ की वंदना करने चला जाता है, उसी टिकट से एक अभागा सिनेमा हॉल में बैठकर अपनी परिवार को नष्ट कर रहा है, अपने परिणामों को विकृत कर रहा है और भैया सम्मान का भी नाश कर रहा है, लोक में अपवाद को भी प्राप्त हो रहा है, सारी सारी विषमताएं हैं लेकिन बुद्धि नहीं सुलझ रही है। क्या बुद्धि नहीं सुलझ रही है, इसका तीव्र पाप का उदय चल रहा है और कहता है कि पुण्य उदय है, कहता है पुण्य उदय है। भैया क्या ऐसा नहीं होता है? यदि ऐसा होता है और ज्ञानी हो तो ज्ञान का उपयोग कीजिए, सेवन करने को नहीं मिल रहा फिर सेवमान का बेटा हो रहा है, भोलेपन का विसर्जन करके जरा सुनना, सड़क पर झाड़ू जमाने वाला पुरुष किसी महारानी के रूप का अवलोकन करके उसके सेवन की भावना रख रहा है, उस अभागे को रात रानी सेवन को कब मिलेगी? लेकिन इसने राज माता के सेवन के बंध को प्राप्त किया कि नहीं किया? ऐसे ही संसार के बहुत से द्रव्य ऐसे हैं जो तुझे प्राप्त होने की कई संभावना मिली दिखती है, फिर भी तू दृष्टि से जा रहा है, बस तू मिले या ना मिले लेकिन बंध नियम से मिलेगा। एक व्यक्ति मिला मुझे, कहता मुनिराज मेरे तीन नियम हैं। मैंने कहा कुछ नियम ले लो, बोले मेरे तीन नियम हैं। मैंने कहा कौन से नियम है भाई, तुम मालूम क्या कहता है? कहता मेरा पहला नियम ये है, मेरा पहला नियम ये है कि मैं एरोप्लेन को कभी नहीं खरीदूंगा। मैंने कहा वाह क्या बात है। कहता है मुनिराज मेरा दूसरा नियम है। मैंने कौन सा? बोले प्रधानमंत्री की बेटी से शादी नहीं करूंगा। वाह क्या बात है। तीसरा नियम कौन सा है? बोले इन दो के अलावा कोई तीसरा नियम नहीं लूंगा जीवन में। कमाल है। चलो भैया नियम तो लिया, क्या पता उसके पुण्य की वजह से ऐसा उसके पास धन संपत्ति वैभव बढ़ जाए कि वो राष्ट्रपति बन जाए, फिर तो प्रधानमंत्री की बेटी से शादी कर सकता है। आज नहीं कुछ, लेकिन नियम तो ले लिया, जो नियम लिया है उसका दृढ़ता से पालन जरूर करना। जितना बंद आकांक्षा में किया, जितना बंद इच्छा में किया, उतना बंद भोग भोगने में नहीं किया। एक व्यक्ति मिठाई की दुकान पर जाता है मिठाई खरीदने के लिए, बताओ कितने प्रकार की मिठाई को देखते हो? सारी, अगर 30-40 प्रकार की वैरायटी की भिन्न भिन्न प्रकार की मिठाइयां उसकी दुकान पर सजी रही है तो सारी मिठाइयों को देखोगे कि नहीं? पहले सारी मिठाई को देखोगे, आंखों से तो सबको भोग लिया, आंखों से सबको भोग लिया है आपने देखकर, फिर उसके बाद एक मिठाई पसंद कर ली तो आपने एक किलो मिठाई ली, स्पर्श इंद्रिय से कितनी भोगी? एक किलो। स्पर्श इंद्रिय से एक किलो। नेत्र इंद्रिय से कितनी देखी? पूरी सारी दुकान भोग ली। उसके बाद दुकान से घर ले गया, अब घर ले जाके बता भाई रसना इंद्रिय से कितना भोगेगा? एक पीस या दो पीस, बस इससे काम खा रहा है। हम देखने देखने में कितना भोग लेते हैं, जितना सेवन नहीं करना उसको कितना उपभोग कर लेते हैं। ध्यान रखना, जितना बंद आकांक्षा में किया, जितना बंद इच्छा में किया, उतना बंद भोग भोगने में नहीं किया, क्योंकि उतने भोग भोगने को मिली नहीं। मोक्ष मार्ग की बात करना चाहते हो तो बहुत सारा मार्ग तेरे पास है, तेरे को बाहर नहीं जाना पड़ेगा, अलग से तपस्या भी नहीं करनी पड़ेगी, अलग से कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, अलग से जो चिंतन चल रहा है उसे रोक दीजिए तो नियम से नजरा होगी। कुएं से पानी भरने गए भैया, तेरे कलश में कितना गया? बाल्टी से निकालते वक्त नाली में जो बहा वही पानी है,
जो श्री जी के सिर से होता हुआ गंडोदर बनकर आता है। माताओं ध्यान से सुनना, एक ज्ञानी कुएं से पानी लेने गया, इसके पानी का आधा भाग पानी नाली में बह गया, परंतु पानी कहता है, हे ज्ञानी तू मुझे क्यों ढोल रहा है, मैं वही पानी हूं जो श्री जी के मस्तक पर जाएगा, तो तू हाथों से लेकर ललाट पर लगाएगा, उसको गंडोदर करेगा। अरे क्या हो गया, गंडोदर बनाने वाला वह नीर नाली में बह गया, भगवान बनने वाला जीव रूपी नीर भोगों की नाली में बह गया। अब पापी तू क्या कर रहा है, अब इधर मत देखो, जिधर देखना चाहिए आप उधर देखो, जो पानी नाली में बहा है उसमें गंडोदर बनने की सामर्थ है कि नहीं है, बराबर है। तो जो भोगों की नाली में बह रहे परिणाम है, वे योग भी गंडोदर बनने की सामर्थ्य है कि नहीं है, रखते हैं। अरे भैया कुआ का तो छोड़ो, बेटी के सामने अनुभव कर लो, बेटी के सामने जब आप धोती दुपट्टा पहनकर पहुंचते हैं और कलर भरे भराए रखे हुए हैं जो श्री जी के मस्तक पर ढलने वाले हैं, इतने में आपने कहा भैया थोड़ा पानी देना हाथ धोने के लिए, और उसने वही कलर पर से आपको पानी दे दिया और आपने हाथ धोकर नीचे गिरा दिया। वो जल कुछ समय पश्चात श्री जी के मस्तक पर गिरने वाला था और वो इतना पवित्र होने वाला था कि आप उस जल की एक बूंद भी नीचे नहीं गिरने देते, उसको अपनी पलकों पर बैठाते, अपने मस्तक पर लगाते, अपने हृदय पर लगाते, अपने माथे पर लगाते, अपने कंठ पर लगाते, उसको उत्तम स्थान पर लगाकर आप उसका सम्मान करते, लेकिन वही पानी कुछ समय पहले आपने हाथ धोकर व्यर्थ में गवा दिया, उस एक जल का पापोदय आ गया। पुण्योदय होता तो भगवान के मस्तक पर चढ़ता, पापोदय आ गया तो हाथ धोने के काम चला गया। आपने इतना पढ़ लिया कि ज्ञानी के ज्ञान में भाव, परंतु यह तो समझो कि वे कौन कौन से भाव हैं, व्यवहार में से परिपरमिति के प्रति गए भाव ज्ञानमय भाव हैं और पांच पापों में गए भाव अज्ञानमय भाव हैं, निश्चय से निज आत्म द्रव्य में गए भाव ज्ञानमय भाव हैं और द्रव्य में गए भाव अज्ञानमय भाव हैं। मोक्ष मार्ग की जो विधा है कोई बाहर से लाने की विधा नहीं है, विश्वास रखो, नरक में जाने के लिए अधिक पुरुषार्थ करना पड़ता है, नरक में जाने के लिए अधिक पुरुषार्थ करना पड़ता है, मोक्ष जाने के लिए अधिक पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता, ध्यान रखना, कोई भ्रमित तो नहीं हो रहा, ध्यान से सुनना, नरक जाने के लिए अधिक पुरुषार्थ करना पड़ता है, भगवान बनने के लिए अधिक पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता, भगवान बनने के लिए बस हाथ पर हाथ रखकर बैठना पड़ता, क्या करना, क्या करना, कोई पुरुषार्थ नहीं करना, हाथ पर हाथ रखकर बैठना पड़ता है, और नरक जाने के लिए पांचों पाप करना पड़ते हैं, जब पांचों पाप करोगे तभी तो नरक जा पाओगे। सारे जगत में छल पाप करना पड़ता है, जबकि भगवान बनने के लिए पापों से छूट कर कुछ नहीं करना पड़ता, बस वही तो भगवान बनता है जो कुछ नहीं करता, जहां कुछ नहीं करना पड़ता वह सरल लगता है। बेकार व्यभिचारी बुद्धि को जिसके लिए घर बसाना पड़ता है, गृहस्थी बसाना पड़ती है, नाना जीवों के ताने बाने सुनना पड़ते हैं, कैसे कैसे पापों में लीन होते हैं, और जहां कुछ नहीं करना पड़ता उल्टी पूजा होती है, जहां कुछ नहीं करना पड़ता उल्टी पूजा होती है उनकी, तब भी वैराग्य नहीं होता, और देखता भी है, ऐसे भी लोग हमारी आंखों के सामने हैं जिनकी पूजा हो रही है, और ऐसे भी लोग हैं जो पूज रहे हैं, फिर भी जीत के परिणाम देखो,
इसलिए भैया स्वीकार करना पड़ेगा कि वैराग्य कोई ऐसी वस्तु नहीं है। सामने साक्षात लोगों को देखो, क्षेत्र में बहुत जगह के लोग आते हैं, शहर में हर चौराहे पर भिखारी मिल जाएंगे, क्षेत्रों पर भिखारी मिल जाएंगे, भिखारी भी मुरियाद के प्रति हाथ जोड़े मिलते हैं, जबकि उनके पास तो कपड़े भी नहीं है। भिखारी के पास कपड़े तो है कम से कम, मुरियाद के पास तो कपड़े भी नहीं है। उनके पास कुछ तो है, परंतु जिनके पास धागा मात्र भी नहीं है उनकी भी हाथ जोड़ रहे हैं, और ये भी देखते हैं कि उनके पास धागा भी नहीं है, उनके साथ भीड़ चली आ रही है और भी भीड़ से भाग रहा हूं, मैं भीड़ से भाग रहा हूं, भिखारी सोचता हूं कुछ नहीं होने से वैराग नहीं हो जाता, भ्रम को निकाल दिया। तेरे भीतर के घर में राग का धन नहीं है तो वैराग हो सकता है, और राग का धन भला है और घर कंगाल का भी हो तो तब भी नहीं छूटता है। ये अंदर के निर्णय है, वस्तु के सद्भाव अथवा वस्तु के अभाव से कोई वैराग का समझौता नहीं है। राग का अभाव और भीतरागता का सद्भाव की जो दृष्टि है उसका नाम वैराग है। धारा देखो यह क्या बताना चाहिए। इसलिए जब तेरे पास कारण समाचार ही दिखाई नहीं दे रहा है तो कार्य समाचार कहां खोजो। ये तो स्पष्ट कर दिया भगवान ने कि निर्विकल्प समाधि से परिणत आत्मा कारण समाचार है और समाधि का फल निर्वाण यह कार्य समाचार है। वो ज्ञानी संपूर्ण ऐसे भेद ज्ञान से परिणत, जो ज्ञानी जीव शुद्धात्मा की प्रतीति अनुभूति रूप लक्षण ऐसे ज्ञान में होता है वह अज्ञानी है। जो पूर्व में कहा है कि भेद ज्ञान का अभाव होने से जहाँ शुद्धता के स्वरूप की अनुभूति का अभाव है वहां पर उसका ज्ञान अज्ञानमय ही भाव होता है। ऐसे अर्थ जानना चाहिए। ज्ञानमय भाव का फल क्या होता है, अज्ञानमय भाव से क्या फल मिलता है, यहाँ पर उत्तर देते हैं आचार्य भगवान कि स्व आत्मा की भावना से विपरीत जितने भाव है वे सब अज्ञान में भाव है। जैसे स्वामी की टीका को बहुत सरल है उससे ज्यादा सरल अपने परिणामों को जानना है। या सच बताओ भगवान को देखने के लिए तो आंख खोलना पड़ती है, भगवान को देखने के लिए आंख खोलना पड़ती है, परंतु निज की भावना को देखने के लिए तो आंख भी नहीं खोलना पड़ती है। वह तो तुझे अपने आप मालूम रहता है, वह विषय अलग है, जान कर भी अज्ञानी बन रहा है तो कौन है, मायाचारी है। इसलिए महानुभाव जान कर अज्ञान मत बनिए और अज्ञान से हटकर ज्ञानमय भाव को बनाइए, अपने जीवन में ज्ञानी बनिए। ऋषि मंगल भावना के साथ जयपुर पार्श्वनाथ भगवान जी। Thank you.